एक कोच होने के नाते आप अपनी टीम के कॉन्फिडेंस के मोरल के एकदम सेंटर पे हैं। इवन अगर आप फील्ड पे एक्चुअली खुद नहीं हैं और आप साइड में बैठे हैं, पर आपका रोल फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। प्लेयर्स के लिए कॉन्फिडेंट रहना, मोटिवेटेड रहना जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं बहुत आसान होता है, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, जब हम कुछ पॉइंट से हारने लग जाते हैं, जब हमारे अगेंस्ट गोल होता है, उस टाइम पे हम क्या करें? हमें उन प्लेयर्स को वो स्किल्स देनी है कि वो टफ सिचुएशन से डील कर सके, कि डिफिकल्ट सिचुएशन में जब उनके अगेंस्ट भी गोल हुआ है उस टाइम पे भी किस तरह से वो पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते रहे। मैच में जाने से पहले एक एनर्जेटिक टीम रिचुअल करिए जिससे प्लेयर्स कॉन्फिडेंट फील करें, एनर्जाइज फील करें और एकदम यूनाइटेड होने का एक्सपीरियंस भी उनको साथ में हो। लॉकर रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा सा रिलैक्स और पॉजिटिव रखिए, जैसे रोज होता है। ऐसा एनवायरनमेंट मत क्रिएट करिए जो कि आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज जो होगा उससे सब कुछ डिसाइड होगा, उससे बहुत प्रेशर बहुत टेंशन उस लॉकर रूम में आएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि वो एनवायरनमेंट बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल रोज जैसा हो। टीम का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना ज़रूरी है। तो हर एक प्लेयर की स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करिए और उनको सेलिब्रेट करिए, एक दूसरे से कंपेयर मत करिए। ये ध्यान दीजिए कि हर प्लेयर को लगे कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अगले प्लेयर का है। मैच में चाहे जो चल रहा हो, टीम हार भी क्यों ना रही हो, जीत क्यों ना रही हो, हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, हमें उनको चीयर करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेयर्स हमारी तरफ देखें तो उन्हें हमारे फेस पे डाउट, गुस्सा, परेशानी नहीं दिखनी चाहिए। उन्हें हमारे फेस पे पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, खुशी, ये चीज़ें दिखनी चाहिए। याद रखिए कि आपकी प्लेयर्स की इंस्पिरेशन आप हैं, और अगर आप बिलीव करते रहेंगे तो आपके प्लेयर्स भी आपके साथ बिलीव करते रहेंगे।